गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। और सांस खाली जात है तीन लोक का मूल। परमात्मा हमें कहते हैं कि ये देही सोंगी नहीं, ये देही सोंगी नहीं, महंगी रत्नों मोल, ये मनुष्य शरीर इतना सस्ता नहीं है, ये रत्नों के भाव का है। और यदि इससे सतभक्ति नहीं की तो ये कौड़ी का कोनी है, एक कौड़ी का नहीं है। तो इन बातों को ध्यान करके हमने सिर पर पांव रख लेना चाहिए। परमात्मा कहते हैं समझा है तो सिर दर पांव और बहुर नहीं रे ऐसा दाव। पांच तत्व का पुतला ये मानुष धरिया नाम, दिनाचार के कारण यो फिर रोक के ठाम। ये पांच तत्व का पुतला, इसका मानुष धर दिया नाम, और चार दिन का जीवन है इसका, और उसमें ना जाने कहाँ कहाँ जगह जगह लोग हैं, स्थान रोकता फिर रहा है, यहाँ कोठी बना लूँ, वहाँ एक प्लाट ले लूँ, कैथल में एक बढ़िया सस्ता प्लाट मिला वहाँ ले लूँ, फिर गुड़गावा में एक प्लाट निकला है वहाँ ले लूँ, और इतना मृत्यु हो जाए। जो लेना था वह चीज़ ली को ना, फिर गधा बनकर सैर सपट्टा, कुत्ता बनकर फिर अंडेगा धक्के खानता। ते हैं पांच तत्व का पुतला ये मानस धर दिया नाम, और चार दिना के कारण ये फिर रोक के ठाम, स्थान रोकता फिरता है। कबीर कहाँ गर्भी यो ये ऊंचा देख आवासे, काल पड़े भूलेटना तेरे ऊपर जमे घासे। परमात्मा कहते हैं इस ऊंची कोठी ने देख के तू के राजी हो रहा है, क्यों भूल गया, क्यों भरमिया फिरता है नालायक, और एक मिनट में मृत्यु हो जाएगी और फिर तुझे फूक देंगे, जला देंगे, स्वाहा कर देंगे, और तेरी राख के ऊपर फिर घास जमेगा, डांगर चरिया करेंगे। कबीरा कहाँ गर्भी यो ये देही देख सुरंगे, बिछड़वा मिलसी नहीं जो कांचली भोजंगे। परमात्मा कहते इस शरीर को देख के केरा जी हो रहा है, क्या फूला फिरता है, एक बार ये शरीर छूट गया फिर ऐसे जैसे सर्प कांचली छोड़ जाता है, दोबारा उसमें प्रवेश नहीं हो सकता, ऐसे तेरी स्थिति हो जाएगी, तुम शरीर तेरा श्वास पूरे हो जाएंगे, यहाँ कोई नहीं रहने देगा। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हाड़े, इस कहते कहाँ फूला फिर ये चाम लपेटे आड़े, इन आड़ा के ऊपर चाम लपेट रहा, खैर इसमें तो फूला फिरता है। कबीर कहाँ गर्भियो ये चाम लपेटे हड्डे, हैवर ऊपर छत्र सिर ते भी दिए खड, यानी जो राजा लोग थे ऊपर उनके छत्र तान कर चला करते थे, वो भी अंत में खड्डे में गाड़ दिए, उनके भी नीचे जमीन में दबा दिए। कबीर कहाँ गर्भिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मार सी भाई के घर के परदेश। अपनात्माओं इससे हमने बहुत कुछ गहराई से सोचना पड़ेगा, हम घर को अपना मान रहे हैं, मेरा घर मेरा घर। परमात्मा कहते हैं तू संपत्ति को अपनी मान बैठा है, तेरी काया भी तेरा शरीर भी तेरा नहीं है, अब ना जाने इस शरीर की कहाँ मौत होगी, क्या पता घर पर या कि बार एक्सीडेंट में अड़खन देंगे। कबीर कहाँ गर्भिया ये काल गह करके से, ना जाने कित मारसी के घर के परदेश। परमात्मा कहते हैं मौत भूल गया बावड़े, इतने चाला कर दिया कौन, मौत भूल गया बावड़े, इतने अचरज किया कौन, और तन माटी में मिल जाएगा जो आटे में नौन। ओहो, कि तू अपने जाने वाले दिन को भूलने के कारण ही बकवाद कर रहा है यहाँ पर, और उस दिन को याद दिलाने के लिए ये इतना साज बाज जोड़ना पड़ा,
सेट बनाया भक्तों ने हैं, और यहाँ बैठा कर आपको ज्ञान दिया जा रहा है। वो दिन याद दिलाया जा रहा है जिसको आप स्वप्न में भी नहीं सोच रहे थे अब हमारे साथ क्या होगा। कहते हैं सतगुरु के दरबार में जाइयो बारम्बार, वो भूली वस्तु लखा दवे है सतगुरु दातारे। के सतगुरु के दरबार में बार बार जाना और एक ऐसी भूली हुई वस्तु को याद दिलाएंगे, वो ऐसे दयालु हैं। अब कबीर कहाँ गर्भियो, कहाँ जन्मे कहाँ पाले पोसे, खूब लड़ाए लाडे ना बेरा इस देह के, कहाँ खंडेंगे हाडे। आप देखते हो एक्सीडेंट में परिवार के परिवार भी नाश हो जाते हैं, ना जाने कहाँ मृत्यु होती है। राजा लोगों को देख लो, मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से 3 दिन में तो उसके 100 मिला था, कहाँ पड़ा वो जंगल में, मनमान उड़े गिद्दड़ खा रहे हों उसको। और उसकी कितनी उमंग थी, कितनी आशाएं थी, आप खूब अच्छी तरह परिचित हो एक राजा की कितनी इच्छाएं होती हैं। परमात्मा कहें आशा एक जो राम की, दूजी आस निवार, और जिन पंथों तो चालना सोए पंथ संवार। एक परमात्मा की इच्छा के अतिरिक्त यदि तू कोई और इच्छाएं पाले बैठा है तो वो ठीक नहीं। जिस पंथ पे तुझे चलना है, परमात्मा के पाने के लिए जो चला है, तो उसी पर ज़्यादा जोर दे, उसी को साफ कर, यानी सत भक्ति कर, भक्ति और दान धर्म जैसा बने अपना करता रहे। और भी बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, जैसे एक पोलैंड देश के प्रधानमंत्री और उसकी पूरी मिनिस्ट्री, सभी मंत्री सारे उसके साथ, उसके चीफ सेक्रेटरी पेक्ट्री सारे साथ जा रहे थे एक ही जहाज में। कहते हैं 98 व्यक्ति थे, 98 के 98 उस एक ही समय मृत्यु को प्राप्त हो गए, और वो किसी का शोक व्यक्त करने जा रहे थे। अपने आत्माओं आप विचार करके देखो हमारे ऊपर कितना दबाव है तीनों गुणों का, इसने कितने जबरदस्त इंजेक्शन ला रखे हैं, इतना ज्ञान सुनकर और इतना कुछ घटना घट रही है, हम प्रतिदिन देख रहे हैं, और फिर भी असर ना होता, फिर भी हमारे ऊपर वो उतना प्रभाव नहीं बन रहा। क्योंकि जैसे किसी का नशा हो जाओ, और नशा उसका हो गया किसी चीज का, शराब पी रखिया, सुल्फा पी रखा, फिर उसको कोई बताता है कैसे हो गया, अच्छा ऐसा हो गया ठीक। कोई कहे तो मेरे घर में चोरी होगी है, अच्छा चोरी होगी, हाँ चोरी होगी है। अब ये पता लग जाए तेरे घर में चोरी होगी, नुकसान हो गया, तुरंत चल देना चाहिए उसने, वहाँ जाकर संभालना चाहिए क्या जुल्म हो गया, क्या क्या नुकसान हुआ। तो हम ये जो आपको बता रहे हैं, ये आपकी चोरी हो रही है, आपका जीवन बर्बाद हो रहा है, आप सत भक्ति ना करके ये डड़े ढोंड पर लगे हुए हो। आजकल तो ये ऐसी ऐसी साइंस के इंस्ट्रूमेंट बना दिए, मोबाइल फोन बन गए, एक मिनट भी फुर्सत नहीं, जिसका जरा सा किताब बिजनेस चल रहा है, कभी किसी का फोन, कभी किसी का फोन, किताब बकवास करने के लिए मिला रहा है, उसके बाद फिर क्या होता है, फिल्म इसके अंदर ना जाने किस प्रकार के गाने, फिल्म, अपना सारा दिन कितना बर्बाद कर लो, बड़ी बड़ी असुविधा दे दी काल ने, क्योंकि उसको पता था कि ये समय भक्ति का आ गया और इसने ये जुल्म करवाना था कि ये कोई भक्ति करे नहीं, इन बकवादा में बढ़िया रहे, सुने नहीं मालिक के नाम। लेकिन परमात्मा भी समर्थ है, पुणात्मा जिसके घर में कोई मौत हो जाती है, चला के देखियो टेलीविजन ने, और चला के देखना इस मोबाइल के अंदर बकवादों को, एक झटके में पूरा परिवार डिढाल हो जाता है। तो इस प्रकार की जब बकवादा करने वालों के घरों पर ऐसे हादसे होंगे, फिर वो भगवान की तरफ बाद में चलेंगे, आना पड़ेगा यहाँ पर। और जो भगवान की शरण में है उनके ऊपर आपत्ति नहीं आया करती, कभी नहीं आ सकती, यदि वो सत भक्ति करते हैं, ड्रामाबाजी करते हैं, नियम तोड़ कर रहते हैं, उनका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो वैसे उपदेश भी ले रखा उन्होंने, लेकिन उपदेश खंड हो जाता है जिस दिन नियम भंग हो जाता है। फिर परमात्मा क्या बताते हैं,
परमात्मा की भक्ति करनी है तो कौन से राम की भक्ति करनी है, हमारे साथ क्या क्या समस्याएं काल ने पैदा कर रखी हैं। कबीर माया पापणी ये फंदले बैठी हाठे, सब जग तो फंदे पड़ा गया कबीरा काटे। ये माया त्रिगुणमयी माया ये सभी को यहां फंसाए बैठी है, और साथ में ये दुर्गा माया ये भी जीव को यहीं उलझाने में लगी हुई है। परमात्मा ने तो ये कहा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल पर पंच बनाया वाणी हमरी लहिए। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिगुणमयी माया और इनका पिता ज्योति निरंजन धर्मराय कहलाता है, और ये दुर्गा, इन पांचों ने मिलकर तुम्हें यहाँ फंसा रखा है। हम जो तुम्हें बोल रहे हैं वचन, इनके ऊपर गहराई से विचार कर। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 3, 4, 5 में उसमें क्या लिखा है कि अर्जुन ये सभी प्राणी जो हैं, ये दुर्गा तो मेरी पत्नी है, ये प्रकृति मेरी पत्नी रूप में है, मैं पति हूँ इसका, और इसके गर्भ में बीज स्थापना करता हूँ जिससे सब प्राणियों की उत्पत्ति होती है। गीता जी अध्याय नंबर 14 के श्लोक नंबर 5 में कहा कि अर्जुन इस दुर्गा से प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण रजगुण ब्रह्मा सद्गुण विष्णु तमगुण शिव जी, ये जीव को कर्मों के बंधन में इस संसार में फंसाए रखते हैं, शरीर में बांधे रखते हैं। और परमात्मा कहते हैं परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि काल तो अपने आप को फरी समझता है ये कहकर के ब्रह्मा विष्णु महेश ने तीनों गुणों ने तुम्हें फंसा रखा है। नहीं, परमात्मा ने अपनी वाणी में यथार्थ ज्ञान दिया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश्वर और दुर्गा और धर्मराया कहिए, इन पांचों मिल प्रपंच बनाया या वाणी हमारी लगी। हमारे ज्ञान को तू समझ लेना, गहराई से सोचना, लहना। लहने का अर्थ होता है एक तो स्वाभाविक सुनना, एक थोड़े को गहराई से सोचना कि संकेत भी समझ लेना, लहना इसका अर्थ होता है। कबीर ये माया पापनी फंदले बैठी हाटे, सब जग तो फंदे पड़ा वही गया कबीरा काटे। कबीर माया पापणी लारे लाए लोगे, अर पूरी किने न भोगिया इसका यही विभोगे। ये माया धन संपत्ति भी माया है। पुणात्मा माया कोई धन धन नहीं है, पुत्र भी माया है, पुत्री भी माया है, बेटा भी माया है, पति भी माया है, पत्नी भी माया है, माता पिता भी माया में आते हैं, संपत्ति भी माया है जो हमें यहाँ पर हमारी दुर्गति करती है। जैसे एक समय गंगा के प्रथम स्नान के विषय में पर भी के ऊपर दो ऋषियों के संतों के गुटों में लड़ाई होगी और कट कर मर गए, तो प्रथम स्नान के ऊपर तो वहाँ वो गंगा का पानी माया बन गया, वो स्नान माया बन गया जिसने इन सब का नाश कर दिया। तो ऐसे हमने इस माया के जाल को समझना है। क्या बताते हैं कबीर माया पापनी ये लारे लाए लोगे, पूरी किन्होना भोगिया इसका यही वियोगे। इस माया को जैसे आप देखते हैं, सुना भी है, जैसे आप बताया था कि कोई भी व्यक्ति है जिसको ज्ञान नहीं होता भगवान का, अच्छा सतगुरु नहीं मिलता, तो वो अंतिम सांस तक भी माया के ही चक्कर में मर जाता है, उसका काम पूरा नहीं होता। जैसे परमात्मा कहते हैं राम नाम रटते रहो जब तक घट में प्राण, और कदे तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। अपने आत्माओं जैसे अंत समय में भक्ति राम का नाम कौन जपेगा,
क्या कहते हैं भाई, अंत समय में जो परमात्मा को याद करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो वो उस के पास पहुंच जाता है। तो अंत समय में जाप भक्ति कौन करेगा? मृत्यु के समय परमात्मा की याद किसने आवेगी? जिसने पहले प्रैक्टिस कर रखी है। जैसे आप जी को रह रहकर बताया जाता है कि भगवान का भक्ति सिमरण गणा करा करो। सिमरण करने का तरीका कोई विशेष नहीं है, कोई विशेष अलग से कोई पर्टिकुलर विधि नहीं है, साधारण सिंपल सहज मार्ग है ये। जैसे चलते फिरते उठते बैठते आप अपनी गाड़ी लेकर आते हो, या बस में या रेलगाड़ी में बैठ कर जाते हो, किसी से गप्पे मत मारो। यहाँ से लेकर वहाँ तक, जैसे यहाँ से दिल्ली जाते हैं, एमपी में जाते हैं, दूर तक जाते हैं, यूपी में, पंजाब में, राजस्थान में, तो अपनी भक्ति करते जाओ, परमात्मा का सिमरण करता जाओ वहाँ से लेकर यहाँ तक। जैसे आप दिनचर्या आपकी है, कोई कहीं मजदूर है, खेती करता है, दुकान पर जाता है, ऑफिस में जाता है, तो उस रास्ते वाले समय का भी सदुपयोग करें, उसका नाम लेता जाओ, भगवान की भक्ति करता जाओ। मोटरसाइकिल पर जा रहे हो तो मोटरसाइकिल चला भी रहे हो और सिमरण भी करिए, क्योंकि परमात्मा ने ऐसी कृपा कर रखी है कि कुछ जैसे मोटरसाइकिल चलाते हैं तो अपने आप हाथ क्लच पर और पैर गियर पर अपने आप चलते रहते हैं। आदमी का ध्यान कहीं होता है और वो अपने आप एक्ट, कुदरती ये सहयोग देते हैं हमारे को हर कार्य में, और मन अपना फ्री होता है। तो मन इधर उधर की बकवाद सोचने की बजाय राम नाम पर लगाए रखे। अब ये दास जब सर्विस करता था तो स्कूटर या मोटरसाइकिल होता था, तो अपने ऑफिस से जब चलता था रोहतक के अंदर सर्विस करता था, वो इधर सिल्ला बाईपास के पास ऑफिस था, यानी इधर दिल्ली साइड में, और इधर हिसार साइड में कती लास्ट में आके बाहर कॉलोनी सी थी वैसे, उसमें मकान था, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक लगभग 10-12 किलोमीटर पड़ते थे, और बीच में वो आता था एक भिवानी स्टैंड, और उसमें वो रोहतक का मुख्य बाजार था और उसमें इतनी भीड़ लगी रहा करती थी। तो ये एक बार घरवाले कई बार वस्तु मंगा लेते थे, वो चीज़ लाना, वह लिस्ट बना कर दे देते कि आते समय ये घर का सामान लाना। तो कई बार ऐसा होता था दास की उसी समय मोटरसाइकिल शुरू करते ही और भगवान के सिमरण में लग जाता था, और मुझे ये भी नहीं पता लगता था कई बार तो कि मैं बिहानी चौक पर गए, उस किला रोड पर गए, किस टाइम मोटरसाइकिल काट कर वहाँ घर आ लिया। जब घर वाली गली की तरफ मुड़ता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लाना था, तो वापस जाता था जब वो सामान लेकर आता था। और रोहतक में दास का ऑफिस था, जेई की सर्विस करता था। इधर कौशली साइड में हमारा कंस्ट्रक्शन कार्य चल रहा था, तो वहाँ से लेकर 70 किलोमीटर पड़ती है रोहतक से कौशली, वहाँ से लेकर वहाँ तक मोटरसाइकिल पर जाता था आराम से 2-2.5 घंटे में, धीरे धीरे अपना वजन करता जाता, वजन करता था, पेट का भी गुजारा होता रहता क्योंकि वहाँ अपनी नौकरी भी करके आता, जो समय बीच का था उसका डट का वजन करता। अब कोई कहता सुबह भक्ति करो वो बहुत बढ़िया समय होता है, ये बकवादियों की बातें होती हैं। और ये जो दास बताता है, दास एक सिविल सर्जन है समझो, इस मार्ग का डॉक्टर है, और कोई अन्य मरीज आपको कोई विधि बताता दवाई लेने की, वो तेरा दुश्मन है। क्या डॉक्टर को पता नहीं इस बात का कि तुझे कौन सी दवाई देनी है? एक मरीज के कहने से तुम कह रहे हो, कोई कहता सुबह 2 बजे तक लेगा 5 बजे तक भक्ति करो, थरासर करे और बाकी इसमें फिर अग्नि गाओ, 2 से 5 एक मजदूर आदमी कोई भी है, जैसे खेतीहर है या मजदूर है या दुकानदार है, कोई अपना नौकरी वाला है, सारा दिन मानसिक या शारीरिक कार्य से टूट लेता है, और 2 से 5 वो कभी नहीं जा सकता, क्योंकि आजकल 8-9-10 बजे तो पहले सोया जाता ना। तो भक्ति अवश्य करो, ये नहीं कहा मान ले किसी का अविचुअल है वक्त उठने का, खूब करो, जिस समय आंखें खुल जाए, हिम्मत है तो किसी समय जब भी आंखें खुल जाए, जैसे आप मरोड़ा लेते हो, करवट बदलते हो और आँख खुल गई, उसी समय भी सिमरण 10-20 सिमरण करे लेना चाहिए। जैसे आंखें फिर नींद आ गई तो सपने में भी वो सोपन हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है दास का कि कबीर साहब कहते हैं, सपने में बरडाए के,
स्वप्न में बरड़ाए के जय कोई बोले राम, राम मीन जो मंत्र दे रखे उसका जाप करे। वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चामे। परमात्मा कहते हैं कबीर जी कि जो सपने में बिरड़ा के विजय मालिक ने याद करने लग गया तो इतनी पुण्यात्मा हो गया है, उसके अंदर इतना रम गया है भगवान की भक्ति कि मैं उसके लिए अपने चाम की जूती बनवा दूं, मुझे इतना प्यारा लगता है वो प्यारी आत्मा। स्वप्न में बरड़ाए के जय कोई बोले नाम, वाके पग की पावड़ी और मेरे तन का चाम, यानी इतनी प्यारी आत्मा होगी मेरी। अब जैसे पहले हम अभ्यास कर रहे हैं तो अंत समय में हम ही बोलेंगे, हम ही मालिक याद कर सकते हैं और नहीं कर सकता। अब जैसे सारा दिन इस माया के लिए ये फल बेचने वाले बस स्टैंडों के आसपास क्या करते हैं, ले ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20, केले बहुत बढ़िया हैं, ले ले 10 के 20, 11 के 20, यानी इस तरह की वो दिन में सारा दिन ये रटना लाते एक पेट के लिए, और फिर सपने भी उनको ऐसे ही आवेंगे, सपने भी सपने में भी ले ले देख के 10, ले ले 10 के 20 ये बोलेगा, और अंत समय में कौन सा फिर वो राम बोल सके है। हमारा एक अंकल था दूसरे दादा का, वो था सीधा सा बिल्कुल, उसको ये नहीं था कोई, अब किसी के घर चला जाता था वहीं खाना खा के लेट जाया करता था। पहले ऐसा सुख वैसे भी प्रेम बहुत ज़्यादा था, तो वो क्या करा करता, बाजरे का रखवाला रहता था, बाजरे का रुखाल करते थे। पहले चिड़िया लगया करती, अब तो चिड़िया तो नष्ट होली लगभग, तो उसमें चिड़िया बहुत होती थी और वो बाजरे को हानि पहुंचाया करती थी। उसके लिए फिर खेतों में एक मचान बना दिया जाता था, जोंडा डाला करते डामचा, उस पे सारा दिन एक व्यक्ति ऐसे गोफिये लेकर मारता था, पटाखे बोलता था, घोड़े मारा करता, तो उस हमारे अंकल की वह चिड़िया बगाने की ड्यूटी लग रही थी और वो एक महीने तो कम से कम ऐसे रखना ही पड़ता है। और तो जैसे ऐसे करते थे ना, गोला मारते थे उसका मिट्टी का बनाकर गोफिये पर रख के, और साथ में और चिड़िया नो करा करते ताकि कुछ शोर तो उठ जाए कि मैं खुड़के थे एक आध आस पास डला पड़ जा कर गोला उससे उड़ जा। तो एक दिन वो हम अपनी छत पर बैठे, गर्मियों के दिन थे ये, बाद वैसे का महीना, तो ऊपर बैठे रात को पढ़ रहे थे, पहले लालटेन हुआ करती ये भी ना थे, और हमने पता नहीं लग गया वो किस टाइम आके, वो 2-3 चारपाई डली हुई थी छत पर, वो सो गया आके। हम पढ़ रहे थे रात के 12 बजे से उसने एकदम आवाज़ लगाई हुर टूट गया, हम डर गए एकदम कूद के पड़े, वहाँ के आ गया भाई। वो दूसरा था मेरा साथी ने बोला यो काका चंद्र आ रहा है, दिन में खवाला था कि तो चिड़िया का मैंने उठाया, फिर मैं चाचा क्या हो गया, नो नो उठा जैसे नो देख के बोला मैं कित सो, अब तो माँ तुम्हारे घर पर सोवे ऊपर, ओहो मन तो सोची मैं खेत में खड़ा हूँ जोंडा के ऊपर डामचे पर और चिड़िया बगाऊ हूँ, मन तो सपना आ रहा था भाई। तो पुण्यात्मा जो सारे दिन हर चिड़िया करेगा तो सपने में और चिड़िया, तो वो मरते समय भी उनका ये याद आएंगे, स्वप्न में भी यही वो रट हो जाएगी। और हम भगवान की भक्ति सिमरन मालिक की वाणी ये याद करते हैं तो हमें सपने भी इन न किया करेंगे, और अंत समय में आप ही बोल सकते हो उस मालिक के नाम को, सिमरन कर सकते हो, क्योंकि आपका ये अभ्यास कराया जा रहा है, ये प्रैक्टिस कराई जा रही है। और अंत समय में भगवान भक्ति हम करते हुए शरीर छोड़ गए तो हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं उसी के पास ले जाएंगे। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि भगवान जिस तत् ब्रह्म के बारे में आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि उस ब्रह्म को जानकर और सारे अध्यात्म ज्ञान को समझने के उपरांत प्राणी केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है, वो यहाँ किसी वस्तु की डिमांड नहीं करता, किसी वस्तु की चाह नहीं करता, तो वो किम तत्ब्रह्म 8वें अध्याय के 1वें श्लोक में पूछा, वो तत्ब्रह्म वो परमात्मा है कौन जो गीता ज्ञान दाता से भी कोई और है। उसके विषय में 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञान दाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है भाई। फिर आगे चल के अध्याय 8 के श्लोक 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 6 श्लोकों में
एक नारी नारी अब भिन्न भिन्न विवरण दिया है कि जैसे 5 और 7 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोलता हुआ कह रहा है कि जो मेरा सेवन करता है अपना सेवन के विषय में 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारन माम अनुसमरण ये प्रयाति तजंदेहम सयाति परमाम गतिम। मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का एक ओम अक्षर है जो उच्चारण करके इसका सेवन करता हुआ, शरीर त्याग कर जाता हुआ इसका उच्चारण करता हुआ जाता है तो मेरे से मिलने वाले लाभ को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 6 में कहा कि अर्जुन ये नियम है, अंत समय में जो जिसका सेवन करता हुआ जिसके भाव में भावित होकर के शरीर छोड़ जाता है वो उसी को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक 8, 9, 10 तीन श्लोकों में उस परम अक्षर ब्रह्म सचिदानंद घन ब्रह्म के बारे में बताया है और उसके मंत्र के जाप के बारे में ऑप्शन छोड़ दी गीता ज्ञानदाता ने। 4वें अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उसके बारे में तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे समझो। और संकेत किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि उस सचिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म को पाने के लिए जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है, ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म ने त्रिविध समर्थ है। ब्रह्म ने माने उस परम अक्षर ब्रह्म का, सचिदानंद घन ब्रह्म का। ओम तत्सत ये तीन मंत्र के नाम का उच्चारण करने का, जाप करने का निर्देश है, उसको इसे प्राप्त होगा। और उस ओम तो ये ब्रह्म का है ही, और तत् और सत ये दोनों गुप्त हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, 3 प्रभु। एक सरपुरुष, सरपुरुष ये ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है, और उत्तम पुरुष तु अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरमावि से विवर्ति अवेश्वर है। वो इन दोनों से नारा जो उत्तम पुरुष है जो सबका धारण पोषण करता है और वास्तव में जो अविनाशी है वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो उस परम अक्षर ब्रह्म के 3 मंत्र हैं, ओ मंत्र तो अक्षर पुरुष का यानी ब्रह्म का, और तत् और सत ये गुप्त हैं, ये दास बता सकता है, इस पृथ्वी पर कोई अधिकारी नहीं है। मान ले किसी ने 3 मंत्र दास से ले भी रखे हैं और वो कहीं आगे नाम दे रहा है, वो धोखेबाज और दुष्ट आत्मा है, वो अधिकारी नहीं है, और डुप्लीकेट लाइसेंस और पासपोर्ट बना रहा है, वो आप भी धोखे में और उस बनाने वालों का भी जीवन, जिनके नाम दे रहा है उनका भी जीवन का दुश्मन है वो। तो क्या बताया कि उस 3 मंत्र के जाप से उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म के विषय में साधना करने को कहा कि जो उसकी साधना करता है अंतिम श्वास तक उसकी भक्ति करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है तो वो उस भक्ति की कमाई थे, उस नाम के मंत्र की कमाई से उस परमेश्वर को, उस तत्व ब्रह्म को प्राप्त होता है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 तक स्पष्ट किया है कि वो तत्वदर्शी संत की पहचान बताई है कि जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी पार्ट्स को बता देता है, जड़ रूपी कौन भगवान है, तना कौन भगवान है, डार कौन है, पत्ते क्या हैं। सहवेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। उसके पश्चात क्या बताया कि तत्वदर्शी संत के प्राप्ति के पश्चात उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, उस परमेश्वर तत्ब्रह्म के उस परम पद यानी विशेष स्थान। पद का अर्थ होता है जैसे अमर पद यानी कभी ना मरने वाले पद की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, खोज करो। और जहां जाने अमर लोक है, अमर पद, अमर लोक, अमर स्थान, अमर पद यानी अमरतव, सतलोक स्थान की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद फिर लौटकर संसार में वो प्राणी नहीं आता साधक, और जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है। और गीता ज्ञानदाता कहता मैं भी उसी की शरण हूँ, उससे की भक्ति करनी चाहिए। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस तत् ब्रह्म, उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, जो गीता ज्ञानदाता से अन्य है। गीता ज्ञानदाता अपने विषय में कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके ब्रह्म बोल रहा है कि अर्जुन 4वें अध्याय के 5वें श्लोक में अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। 4वें अध्याय के 9वें श्लोक में कहा कि अर्जुन मेरे कर्म
और जन्म अलौकिक है, मेरे जन्म और कर्म अलौकिक हैं। वो ये दास बताएगा कैसे अलौकिक है। गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में भी यही कहा है कि अर्जुन तू मैं और ये सब सैनिक पहले भी जन्मे थे आगे भी जन्मेंगे, हम अविनाशी नहीं हैं। दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि अर्जुन अविनाशी तो उसको जान जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, उसको मारने में कोई समर्थ नहीं, कोई सक्षम नहीं है, वो समर्थ शक्ति है, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य है। अब हमने भक्ति किसकी करनी है, उस परमात्मा की करनी है। अब प्रसंग जो चल रहा था वही आते हैं। कबीर माया पापनी हर से करे हरामे, मुख कड़ी हाली कुबद की या कहन ना देव रामे। कहती है माया ऐसी दुश्मन है आपकी, भगवान नहीं बजन देती, सारा दिन वानो कर दूंगा, वहाँ प्लाट बेचना है, उसको नो करना है, वहाँ ऐसे करना है, राम नाम सो को मिलना वही जो मुकद्दर में है, आपके जो मालिक ने लिखा है आपकी किस्मत में, उससे कम जाता आप अपने प्रयत्न से नहीं कर सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। यही भूल गिर जाने से, यही भूल पड़ जाने से हम बकवादियाँ बउतर गए, आगा पीछा नहीं देखते, चोरी करण में, ठगी करण में हैं, और दूसरे के धन में नीत रखते हैं। और जब हमें ये पक्का विश्वास हो जाएगा कि किस्मत में जो लिखा उससे कम और बत्ती नहीं होगा, लेकिन वो होगा कैसे, वो कबीर परमेश्वर जी की शरण में इस दास के माध्यम से आने से आपको भाग्य से अधिक भी मिलेगा, यदि आवश्यक होगा, परमात्मा आवश्यक समझेगा तो आपकी किस्मत में ना होगा वो सुख भी देगा। मासा घटे न तल बध बेदना लिखे जो लेखे, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मार दे मेख। मासा घटे न तिल बजे, यानी कोई भी चेंज नहीं कर सकता, किसी के भी दुख या सुख को ना घटा सकता ना बढ़ा सकता। और पूर्ण परमात्मा सच्चा सतगुरु, अब यहाँ सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब देखो सतगुरु भी के साथ सच्चा लगाना पड़े, वैसे तो सतगुरु का अर्थ ही सच्चा गुरु होता है। अब सतगुरु शब्द पा गया, ये सभी सतगुरु बोलते हैं जो नकली संत हैं, अब गुरु से ये सतगुरु पाए गए और सतगुरु छोड़ फिर जगत गुरु पाए गए, तो इसलिए यहाँ सच्चा सतगुरु बोला गया है कि जो विश्व जो वास्तविक सतगुरु होता है वो परमात्मा का कृपा पात्र होता है और वही आपकी किस्मत में परिवर्तन कर सकता है और ऐसा कर देगा कि दोबारा आपके वो आपत्ति नहीं आएगी। ऊपर मारे मेघ, यानी उसमें कील गाड़ देते हैं। पहले क्या क्या करते हैं, ये बका रखी थी हमारे बूढ़े बुढ़िया, कहते हैं कि एक मेघ पड़ुआ के लिए यहाँ कील होते थे लंबे लंबे, ये उन्होंने मेघ बोला कर टोपी सी वाली लंबी, इतनी लंबी लंबी होती थी वो, और उनको देल यहाँ के ऊपर मार, देल के ऊपर काट की देहल होती थी, यानी डोर के नीचे काट की देहली होया करती थी, तो उसके ऊपर गाड़ देते कि मेघ को, क्या मेघ मार दी इब भूत तुम्हारे घर में आ नहीं सकते। तो परमात्मा कहते हैं मासा घटे ना तलबद है, गरीबदास साहिब ने कबीर परमेश्वर की महिमा बताते हुए कहा है, मासा घटे ना तलबद है विधना लिखे जो लेख, तुम्हारे यहाँ के जो विधाता है इसने जो लेख लिख दिए वो कोई नहीं घटा बढ़ा सकता, लेकिन सच्चा सतगुरु मेट कर और ऊपर मारे मेघ, मेघ मिन वह भूत आपत्ति रूपी भूत फिर नहीं आ सकता आपके ऊपर। कबीर माया पापनी ये मांगी मिले नहाते, मन उतारी झूठ कर तब लागी डोले साथे। अब क्या कहते हैं, जब तक हम माया के पीछे दौड़ रहे थे ये आगे भाग रही थी, अब माया से उल्टे हटो। कैसे हटोगे, बीड़ी छोड़ दो, शराब छोड़ दो, जुआ छोड़ दो, सट्टे लाना छोड़ दो, ये दहेज लेना और देना छोड़ दो, बड़े बड़े कोठी गाड़ना छोड़ दो, फिर माया आपके पीछे पीछे फिरेगी और परमात्मा आपको ऐसा मंत्र देंगे, यहाँ से नहीं सतलोक से आने लगेगा आपके घर पे पैसा। तो क्या बताते हैं, कबीर माया पापणी ये मांगी मिले न हाथ, मन उतारी झूठ कर या लगी डोले साथ। जब हमने पता लग गया कि इसकी आवश्यकता हमने रही नहीं, तो कहती हैं फिर पीछे पीछे आओगी और खूब बरकत करेगी तेरे,
कब करेगी? जब परमात्मा के चरणों में हम आ जाएंगे तभी हम इसे उल्टे हटेंगे, उल्टे हटेंगे फिर ये हमारे साथ होगी। आप देख लेना इस मालिक की इस लीला को भी देखना। कबीर माया बेसुबा, कबीर माया वैसा, ये दोनों की एक जात, आवत तो आदर करे और जाते पूछे न जात। अपने आत्माओं अभी बताया था आपको कि कबीर साहब कहते हैं कि माया और वैसा की एक जाति है, एक जैसा स्वभाव है। आवे जब तो उसका आदर करते हैं, जाते की नहीं बात भी पूछते। जैसे आप देख रहे हो ये मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जब बन जाते हैं तब तक दुनिया इनके पाछा पाछा नहीं, क्योंकि इनके साथ माया है। और जब इनकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है ये अपने बरंडा में अकेले मुड्ढे पे बैठे माखी मारे अगर कोई नहीं नमस्ते करने नहीं पाता। तो परमात्मा कहते हैं तुम भक्ति करो मालिक की जो सदा तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारा सदा आदर रहे और सतलोक में जाओगे मालिक के साथ में बैठ कर जाओ। कबीर माया मोहनी जैसे मीठी खांडे, सतगुरु की कृपा बही ही ना तो करती बांडे। के मालिक की शरण मिल गई हमने, इसलिए हमने इसकी गणी चार ही को ना नया भांड करती भांड बिन सारा जीवन तो इसी के जोड़न जोड़न में मर जाते। और अंत समय में फिर करा कि गधे बनते, कुत्ते बनते, धके खाते, अंडे बना दिए भांड। अब कहते हैं ना जैसा कोई सारा दिन भक्ति जैसे जिस विचारों में रहता अंत समय में उसके उसे ही विचार होते हैं। एक बुढ़ा मरे था, एक बुढ़े की मृत्यु हो गई थी, 70-80 वर्ष का हो गया था। और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो वो, क्योंकि जो भक्ति नहीं करते उनकी जुबान ये यम के दूत बंद कर देते हैं, जब तक उनके सांस पूरे करवाते हैं, गिन गिन के इसके 100 रह रहे हैं, 200 रह रहे हैं, 500 रह रहे हैं, तो पहले आ बैठते अंदर से उनकी जुबान रोक देते, पैरालिसिस कर देते, खिंच खिंच कर सांस लेता है। और परिवार को भी पता लग जाता है बुढ़ा जाने वाला बुजुर्ग। तो बुढ़ा की मृत्यु हो रही थी बुजुर्ग की, और लेटा लेटा न्यू कर बोल नहीं सकता, संकेत कर रहा था, इशारे कर रहा था। घरवाला ने सोचा पिताजी कोई धन दबा रखा किता है जमीन में और कुछ बोल कर बताना चाहता पर बोल नहीं पा रहा है। उनको पता था कि यहाँ आसपास के कोई एक वैद्य था, वो ऐसी दवाई जुबान पर डाल देता था कि वो जब एक दो बार वो बोल सकता है, और वो 500 रुपये चार्ज करता था। उसको फटाफट लाए बुला के 500 रुपये उसने घर रखवा लिए, वे पैसे दे जाओ पहले, कहते ना दो तुम, फिर वो 500 रुपये वहाँ रखवा लिए। पहले 500 रुपये तो आज के 500,000 के बराबर समझो, तो वहाँ 500 रुपये दरवा लिए। तो वो आगे डॉक्टर वैद, उसने वो बुढ़े की जुबान पर दवाई टपका दी और बुढ़ा हौसले में आया। तो लड़के कहने लगे पिताजी जल्दी बता दे कहाँ दबा रखा दंत ने, तू क्या कहता है नकम्मे कित मर गए तुम, यू गाय का बच्चे ने झाड़ू खा ली, देख चार ने अगर नाश कर दिया। अब वो बालक माथे माथ मारे ने पिताजी या चार ने की झाड़ू मारा 500 रुपये में पड़ गई और बुढ़ा मर गया। अब वो बुढ़ा की तो मृत्यु होगी और वो उसकी वृत्ति मरण लग गया, जब उसकी ध्यान पड़ गया कि गाय का बच्चा झाड़ू को चबा रहा था और बुढ़ा नू कहना चाहता था रे तुम नून देख लो वो झाड़ू खा लिया, चारण्य का नुकसान हो गया। बच्चा ने सोची पिताजी की तो धन दाब रहा और बताना चाहे, तो सारे जीवन में जैसी जिसकी वृत्ति रही अंत समय में वही विचार उसके अंदर प्रभावित रहते हैं। तो पुण्यात्माओं हम ऐसी प्रैक्टिस कराएंगे कि हमें अंत समय में मालिक याद आवे, और उसके लिए ये अभ्यास, ये ज्ञान, ये भक्ति, ये सारा कुछ मिलाकर उस क्रिटिकल स्टेज पर हमारा साथ देगा, नहीं तो भूल जाता प्राणी। फिर सतगुरु साथ रहेंगे तभी आप ये ध्यान रख सकोगे। कबीर माया डाकनी सबका हुको खाए, दांत उपाड़ो पापनी जो संतों नेड़े जाए। कहते हैं यह माया सब न बर्बाद कर देती है, इसके चक्कर में सारा जीवन बर्बाद कर जाते हैं और ये यहीं रह जाती है, और पाप इकट्ठे जो किए थे माया जोड़ने में वो संग चले जाते हैं। परमात्मा कहते हैं जब मेरे भक्तों के आसपास भी आ गई तो तेरे दांत पाट दूंगा।
ये पढ़ दिए था तुम्हें ज्ञान हो गया कि ये माया अच्छी चीज नहीं है और भगवान की भक्ति करे थोड़े में गुजारा करेंगे। हम परमात्मा की रजा में राजी रहेंगे तभी हम भक्त हैं। आप सच्चे दिल से लगे रहोगे, नियम में बंधे रहोगे, तो जो परमात्मा आपको दे उसमें संतुष्ट होना, चाहे थोड़ा दे या घना दे। हम परमात्मा को भूलकर संसार को देख करके अपने हिसाब से हम जब चलते तो परमात्मा दुखी हो जाता है हमारे से। कबीर माया दासी संत की उभी दे आसी से, भोगी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदी से। क्या कितनी प्यारी बात की है परमात्मा ने कि माया दासी संत की नौकरानी है या माया। जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे आपको ऐसे मंत्र दे रखे हैं कि आपके ऊपर अपने आप माया बरसेगी, नाम चाहोगे तो भी आपको मिलेगी। और कहते हैं विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदी से। अब कैसे अपुन आत्माओं, ये दास देख रहा है कितनी महंगाई हो रही है और आप जी ने माया का सदुपयोग करना आ गया। आप कहाँ कहाँ से आते हो, किराया लगा कर आते हो, काम छोड़ कर आते हो, और आपके घर में जब पहले से ज़्यादा बरकत ना हो आप अपना हिसाब लगा सकते हो। तो कहते हैं आप यहाँ परमात्मा के लिए आते हो, ये किराया जो आपका भाड़ा है ये भी भगवान के पुण्य अकाउंट में लिखा जाता है, और आपको परमात्मा इतनी माया दे देगा, आप याद रखना अपना हाथ जोड़ने पड़ेंगे इससे पीछा छोटा परमात्मा। इस दास के साथ जो बीती थी ये खूब अच्छी तरह जानता है। शुरुआत में हम लगे थे इतना ज्ञान था नहीं, भक्ति भी करते थे, आशा ये रहती थी कि और एक कोठी बन जाए, फलाना हो जाए, दखड़ा हो जाए। और परमात्मा क्योंकि जैसे हमारी नियत थी, दान करने लगे, भक्ति करने लगे, सिमरन बढ़ाया, उतनी ही माया आप यानी ऐसी बरकत करने लगी परमात्मा कि हम सोच नहीं सकते। पुण्यात्माओं विचार करके देखो आप कितना हेराफेरी करके कितने पैसे कमा सकते हो, कर्म बिगाड़ सकते हो, माया दिख नहीं हो सकती। परमात्मा देगा जब आपको एक नंबर से देगा। इस दास ने एक प्लाट ले लिया, नाम लेते ही एक साल के बाद एक प्लाट लिया 16,000 का, और उसके ऊपर थोड़े से एक दो कमरे की कंस्ट्रक्शन कर दी। वो कुल मिलाकर मेरे ख्याल में 40,000 रुपये का खर्चा हुआ होगा, और नाम लिया ही था। उसके बाद क्या हुआ, आपने खूब भक्ति करी, ज्ञान समझ में आता चला गया, तो उस प्लाट के साथ से एक बाईपास निकल गया 2 वर्ष के बाद, और वो प्लाट फिर लाखों का बिक गया। उसका रेट इतना हो गया, कोई दो नंबर से नहीं। वो तो कहने का भाव ये है कि हम अपनी जेई की नौकरी में मान ली हेराफेरी करके कितने पैसे कमा लेते, कर्म बिगड़ते, और परमात्मा ने एक नंबर से इतने दे दिए कि 10 साल तक भी हम कुकरे नहीं कमा सकते थे। तो क्या बताते हैं, माया दासी संत की उभी दे आशीष और विलसी और लातों छड़ी सुमर सुमर जगदीश। उसके बाद फिर परमात्मा से हाथ जोड़ने पड़े मालिक, या तो घड़ी आन लगी और कहीं फिर दबा ले नीचे, हाथ जोड़े परमात्मा इतनी दे जितनी आवश्यकता हो, फिर धीरे धीरे से पीछा छुटवाने की चेष्टा की। जैसे अब्राहिम सुल्तान अदम के पास कितनी माया थी, और परमात्मा ने जब उसको ज्ञान दिया तो उसने उस माया का त्याग कर दिया। परमेश्वर ने यह भी कहा कबीर जी ने कि जा बेटा अब तू कर ले अपनी भक्ति बेसक, क्योंकि तुझे ज्ञान हो गया अब तो माया में लिप्त नहीं होगा। हाथ जोड़ लिए परमेश्वर, अब तो पीछा छुटाओ इस बीमारी तय। तो हम पैसा मांगने आते हैं और फिर ये माया इतनी दे देगा भगवान, अपने हाथ जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि आपको ज्ञान हो जाएगा या दुश्मन है जीव की। कबीर माया तो ठगनी भाई ये ठगती फिर सब देश, जा ठग न माया ठगी ही ता ठग को आदेश। या माया सबको ठग है, किसने रावण ठगया, और ये करोड़पति अरबपति हेलीकॉप्टर में मर जाते हैं खत्म हो गए, वो माया ने ठगे, क्यों माया साथ गई को ना, माया जोड़ने में सारा जीवन खो दिया, वो ठग लिए। और आप जी अब माया को ठग रहे हो क्योंकि आप इस माया का सदुपयोग कर रहे हो,
पुण्य में लगाते हो। ये माया कहाँ लगती है? गुट्टी लाण में, शराब पीण में, कि तो फिर ब्याह करण में, ड्रामे करण में, हैं कि तो बड़ी कोठी बनाने में। तो वो माया तुम्हें ठग रही है, क्योंकि वो तो यही रह जानी है, तुम्हारे साथ जागी नहीं। और आप जी ने माया को ठगना शुरू कर दिया, क्योंकि आपने यह परमात्मा के नाम पर लगानी शुरू कर दी। पुण्यात्माओं, आप विदेश में हो, आप जी ने स्वदेश जाना है, सतलोक जाना है, सचखंड जाना है। तो वहाँ जाने के लिए आपने जो संपत्ति वहाँ चाहिएगी, उसकी करेंसी चेंज करानी पड़ेगी। वो करेंसी कैसे चेंज होगी? कि जैसे आप यहाँ दान धर्म भंडारे में करोगे, आपकी ये करेंसी वो पुण्य रूप में वहाँ लिखी पाओगी। तो जब आप जाओगे, यहाँ जो आप जोड़ो हो वो तो यही रह जाएगी, और ये जो माया आप करेंसी चेंज करा रहे हो, ये आपको आगे दरी पाओगी। कबीर कमाई आपनी कभो ना निष्फल जा, सात समुंदर आडे पड़े हुआ मिले आगा हुआ। ये आपकी की हुई सेवा और दान भक्ति कभी निष्फल नहीं जाएगी। कबीर, ये माया ठगनी भई, ठगती फिरे सब देश, जा ठग ने माया ठगी ही, ता ठग को आदेश। कि उसको प्रणाम है मेरी प्यारी आत्मा उन्होंने जिसने माया को ठगना शुरू कर दिया। कबीर, मीठा सब कोई खाते है, विष हो लागे दाए, कड़वी औषधि कोई ना गटके, सब रोग मिट जाए। कहते हैं मीठा सब ही खाते हैं। मीठा कौन सा है? बैठ के गप्पे मार लिया, फलाना ऐसा है, इब का वो हारेगा, इब का वो जीतेगा, वह पार्टी हारेगी, वह जीतेगी, और फिर रागनी गाना, कंपटीशन सुनना, फिल्मी गाने सुनना। कहते इस मीठे को तो सभी खा रहे हैं और अपना जीवन नष्ट कर रहे हैं, इनका रोग बढ़ता जा रहा है। और ये राम नाम की चर्चा, भगवान का मंत्र, ये कड़वी औषधि जो गटकेगा, जिससे सारा रोग कट जा। मीठा सब कोई खाते हैं, विष हो लागे दहाए। कहती है गाने बजाने सुनने, इधर की बकवादा में जीवन व्यर्थ करना, बंगले कोठी बनाने में, जो ये मीठा खा रहे हैं ये तो इनके लिए विष होगा। और कड़वी औषधि कोई ना गटके, सब रोग मिट जावे। माया काल की खाने है, धर तिरगुण विपरीत, जहाँ जावे ता सुख नहीं, ये माया की रीत। कबीर, माया तरवर तिरवद का, साखा विसंताप, शीतलता सुपने नहीं, फल फीका तन ताप। जल की का कहूँ, भव जल बूढ़े दास, और पार ब्रह्म पति छोड़ के है, करें आन की आश। अब क्या बताते हैं कि मोटी माया सब तजे, जिन्नी तजी न जाए, पीर पैगंबर ओ लिया, जिन्नी सबो को खाए। अब माया के प्रारूप बता रहे हैं, जैसे ऊपर की माया तज दी, गर्भी छोड़ दिया, संत बन गया, बाहर रहने लग गया, लेकिन मान बढ़ाई फिर भी ना छोड़ी, यह भी माया है। कबीर, शंकर होते सबल है, ये माया फा संसार, अपने बल छूटे नहीं, छुड़ावे सिरजनहार। यह माया कहते हैं इतनी जबरदस्त आपके चारों तरफ लिपटगी, आप अपनी ताकत से नहीं छूट सकते। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपनी कृपा से, अपनी विधि आपको बता करके इस माया के जाल से छुटवाएगा। अब इसमें आपने परमात्मा की अमर वाणी में पढ़ा है, पार ब्रह्म पति छोड़कर और करें आन का जाप, अपने एक मालिक को छोड़कर, पार ब्रह्म यानी पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की साधना को छोड़कर हम अन्य दूसरी साधना करते हैं, वो हमारे लिए हानिकारक होती है। अब क्या बताते हैं, हमने परमात्मा सतपुरुष की भक्ति किस प्रकार करनी चाहिए? अव्यभिचारिणी भक्ति करनी चाहिए। गीता जी अध्याय नंबर 13 में कहा कि जो अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं वही उस परमात्मा को प्रिय होते हैं, वो उस परमात्मा के पास जाते हैं। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जाओ। सर्वभाव से यानी अनन्य मन से,
अनन्य का अर्थ होता है किसी और में आस्था ना रही, उस परमात्मा की शरण जा, उसकी कृपा से तू परम शांति और उस सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, अर्थात पूर्ण मोक्ष प्राप्त करेगा। उसके लिए क्या बतवाते हैं, अव्यभिचारिणी का अर्थ क्या होता है कि जैसे कोई लड़की बहन बेटी अपने पति के अतिरिक्त किसी दूसरे पुरुष में आस्था रखती है, उससे संयोग करती है, तो वो पति भरता नहीं रही, वो व्यभिचारिणी हो जाती है। और व्यभिचारिणी का कहीं आदर नहीं होता, सब जगह उसको हेय दृष्टि से देखते हैं, वो पति के दिल से उतर जाती है। तो इसी प्रकार हमने अपने परमात्मा कबीर जी के अतिरिक्त किसी भी देव में आस्था नहीं करनी है। और आप जी को बहुत कुछ ज्ञान दिया जाता है, लेकिन या तो आप समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, कई बार आते हैं जैसे काम माया का कुछ ऐसा जोर है, कोई एक सत्संग सुनकर जाना पड़ जाता है, फिर दूसरे सदस्य आते हैं घर के, इस प्रकार टर्न भी लगाई जाती है। बहुत बार हम प्रत्येक सत्संग में तो ये नहीं बता पाते हैं, रह रह कर कहीं ना कहीं संकेत अवश्य हम देते रहते हैं समय अनुसार। तो आप जी को चाहिए कि आप यहाँ से सीडीज वगैरह बनती हैं जो दास बना रहे हैं, भक्त चार करके देते हैं, ये ले जाइए और इन 6 दिन में 1 महीने में जब भी समय मिला यहाँ अवश्य सुनिए। और फिर इनको ले जा करके घर पे भी टाइम निकाल कर प्रतिदिन 1 घंटा आध घंटा जिसा समय लगे अवश्य देखिए, तो उससे आपके हृदय में जगह रहेगी भगवान की और ज्ञान यज्ञ का फल भी आपको मिलेगा और डगमग ना हो सकोगे। और प्रत्येक नियम का आपको ज्ञान होता रहेगा कि कौन कौन से नियम हैं, क्यों नियम एक बार भंग हो गए तो फिर परमात्मा आपकी मदद करना बंद कर देगा, फिर नाम टूट जाता है। मर्यादा में रहना अति आवश्यक है। तो क्या बताते हैं कि हम अपने मालिक को छोड़कर अपने एक परमात्मा रूपी पति के अतिरिक्त हम किसी और में आस्था करते हैं तो हम पति भरता नहीं रहे। हम पति भरता नहीं रहे क्योंकि फिर परमात्मा रुष्ट हो जाता है। अपुनात्मा परमात्मा पाने के लिए एक विधान बताया प्रभु ने, गुरु गोविंद कर जानिए परमात्मा को, गुरु जी को तुम परमात्मा मानकर चलना और रहिए शब्द समाए और मिले जब दंडवत बंदगी और नहीं तो पल पल ध्यान लगावे। कबीर परमात्मा आगे कहते हैं, गुरु मानस कर जानते ते नर कहिए अंध ओहें दुखी संसार में आग गई उनके फल, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, मेरे संत को जो मेरा कृपा पात्र है उसको मेरा ही स्वरूप जानना, अन्य में आस्था ना करना। आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।